हेलो दोस्तों, हाय, हाउ आर यू। आज हम लाइव सेशन में तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम्स है जो हमारा लास्ट लाइव सेशन हुआ था उसके बाद कुछ एक प्रॉब्लम्स है जो बंदों ने मुझे कुछ फाइलें भेजी हैं। ठीक है, टाइम एक्चुअली मैं नहीं दे पाया तो उन्होंने मुझे फाइल ही सेंड कर दी कि सर आप देख कर ही बता दीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि ये फाइल है, इस फाइल में बेसिकली RGB कलर एंड कलर ओवरराइड प्रॉब्लम ऐसा कुछ लिखा आ रहा है जैसा कि इन्होंने बताया है। तो फाइल फर्स्ट टाइम हम ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले से ट्रायल नहीं कर रखा मैंने, फर्स्ट टाइम मैंने ओपन की है फाइल को, और आपके साथ ही कोशिश करूँगा कि ये क्या प्रॉब्लम है जो ये बताना चाह रहे हैं। पर्पज़ ये है कि साथ के साथ देखने का, फर्स्ट टाइम आपके साथ ही देखने का पर्पज़ ये है कि जितनी प्रॉब्लम्स मुझे आनी है वो सारी आपको दिख जाए, ताकि आपको पता रहे कि आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कई बार। ओके, तो ये है, इनकी जो रेंडर सेटिंग है वो भी हम बेसिक ही रहने देते हैं। क्या कर रखा है इन्होंने, किसी चीज़ को हम नहीं छेड़ते एक बार, और साइज़ भी छोटी रहने देते हैं। हम बस एक बार रेंडर करके क्लिक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, ठीक है, सीन बिल्कुल बर्न हो चुका है, बुरी तरीके से आग लग चुकी है, ए आर रहमान के गाने की तरह। ठीक है, यहाँ पे दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि वीरे बहुत समझदार हैं, अगर कुछ परेशानी है तो वो हमें बता देता है कि क्या परेशानी आ रही है। परेशानी बेसिकली बहुत सारी है, जैसे कि यहाँ ये दिखा रहा है मटेरियल रिटर्न ओवर ब्राइट। ओवर ब्राइट मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है, जैसे कैसे समझाएं, जैसे फोटोशॉप ले लेते हैं। ठीक है, हमने बताया था, जैसा कि हमने अपने लास्ट लाइव सेशन में भी बात की थी, कि प्राइमरी बाउंस, सेकेंडरी बाउंस और इस टाइप की चीज़ें होती है ना। मेरे पास माउस है, लाइट पेन नहीं है, तो परफेक्टली मैं ब्रश नहीं चला पाऊँगा, सॉरी। सपोज़ कीजिए आपके पास ये एक वॉल है, ठीक है, और ये रहा आपका सन। ठीक है, ये है आपका सनलाइट। ओके, तो हो क्या रहा है, आपने जो भी लाइट लगा रखी है, ठीक है, वहां से लाइट जा रही है, ठीक है, सॉरी कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हो क्या रहा है, आपकी लाइट जा रही है इस सन से, और जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, ये गई, तो हो क्या रहा है, यहाँ जैसे ही टकराती है तो ये कहलाता है हमारा प्राइमरी बाउंस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी बाउंस लाइट का। ठीक है, ये हो गया मेरा प्राइमरी बाउंस। अब मैक्स हमें ये कह रहा है कि मटेरियल रिटर्न ओवर ब्राइट और इनवैलिड कलर। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जब वो लाइट टकरा रही है, प्राइमरी बाउंस हो रही है, तो ये ओवर ब्राइट हो के आ रही है। सपोज कर लीजिए यहाँ से लाइट की इंटेंसिटी गई कितनी वैल्यू में, 0.5 की वैल्यू के साथ। ठीक है, और जब ये टकराई तो यहाँ आकर कितनी हो गई, 5 ओवर ब्राइट। अब ये ओवर ब्राइट का जो वैल्यू है, ये 1 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बस इतना है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो आपने मटेरियल लगा रखा है वो कुछ ऐसा मटेरियल है जो वीरे की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को ओवर ब्राइट करके रिटर्न भेज रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन थी, हम समझ सकते थे। कागे लॉग विंडो, ये है क्या, ठीक है, तो ये ओवर ब्राइट करके भेज रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि इनवैलिड कलर भी हो सकता है, या तो ओवर ब्राइट करके भेज रहा है, या फिर आपने कुछ इनवैलिड कलर लगा रखा है। इनवैलिड कलर का मतलब हो सकता है कि या तो आपने कुछ RGB लगा रखा है,
या फिर आपने कोई टेक्सचर लगा रखा है या कुछ और, ठीक है, जो वीरे के लिए इनवैलिड है। अब यहाँ जैसे आरजीबी इतना इतना ये कुछ अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यहाँ पे हमने या फिर इन्होंने कोई टेक्सचर न लगाकर कोई आरजीबी वैल्यूज़ या ग्रेडियंट या ऐसा कुछ यूज़ किया है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो कहीं इन्होंने आरजीबी लगा रखा है। और दूसरा अगर बात करें तो सब जगह ये मुझे बेसिकली आरजीबी इनवैलिड आरजीबी कलर ही दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर भी देखें तो यहाँ सब जगह आरजीबी कलर ही है, इनवैलिड आरजीबी कलर्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्लोज पर्सपेक्टिव शिफ्ट एफ। कोशिश करते हैं इसे देखने की कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। मटेरियल एडिटर पिक वाइट कलर अगर हम देखें तो ओके, ऑटोडेस्क जेनरिक कलर्स डाल रखे हैं। अब देखिए इनके पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो दिखाई दे रही है हमें, वो ये है कि इन्होंने मटेरियल्स जो भी यूज़ किए सब ऑटोडेस्क के ही है, ऑटोडेस्क ऑटोडेस्क जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं जब हम किसी दूसरे 3D सॉफ्टवेयर से फाइल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो सामने है प्रॉब्लम, इनके पास कोई भी वीरे मटेरियल नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, सब कुछ इनवैलिड सा दिखाई दे रहा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, ये सब वही लगे हुए हैं मटेरियल। मैं लाइट भी चेक करना चाहूँगा, इन्होंने लाइटें कौन सी लगा रखी है। फोटोमेट्रिक लाइट है, ठीक है, और फोटोमेट्रिक लाइट में इन्होंने, हालांकि ये लाइट किसी काम की नहीं क्योंकि ऑफ है, लेकिन फिर भी इन्होंने यूज़ कर रखी है रिट्रेस शेडो। ये बेसिकली मेंटल रे, आई रे और इसी में काम आती है। अगर आप वीरे में काम कर रहे हो तो आपको करना होगा वीरे शेडो, ठीक है। कोरोना में काम कर रहे हो तो कोरोना शेडो। और सेकंड लाइट इन्होंने क्या लगा रखी है, ये भी फ्री डिस्क लगा रखी है और वही रेट्रेस शेडो। तो कहा जाए तो शायद इनमें इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, सीन वीरे में है नहीं इसलिए वीरे में सही रेंडर हो नहीं रहा है, लाइटें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है और बड़ा इशू आ रहा है, ठीक है। अब इन्हें करना क्या क्या है, फर्स्ट इन्हें क्या करना है, मटेरियल वीरे लगाना है, लाइट वीरे लगानी है, ठीक है, और हो सके तो कैमरा भी वीरे लगाना है। अगर ये सब ये चीज़ें कर देते हैं तो इजीली इनका आउटपुट सही आना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से ओवर ब्राइट नहीं होगा। राइट क्लिक करके हमारे पास ऑप्शन आता है वीरे सीन कन्वर्टर, ये अपने आप में एक अच्छा टूल है। कन्वर्ट करना है मेरे को टर्न ऑन रे ट्रेस ट्रेस रिफ्लेक्शन व्हेन कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है। इसे मैं ऑन कर सकता हूँ अगर मैं स्टैंडर्ड मटेरियल वगैरह में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो, ठीक है। और मिस्टर सन और मिस्टर स्काई नहीं है, ये मेंटल रे MR स्काई को हम वीरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल की ओपेसिटी को रिफ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और अगर यहाँ पर कन्वर्ट सेलेक्टेड नोड ओनली करना है तो जो हमने सेलेक्टेड रखा है सिर्फ वही कन्वर्ट होगा, और स्टैंडर्ड कैमरा को हम वीरे फिजिकल कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ हम कर सकते हैं कन्वर्ट पर क्लिक। ओके, तो हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम चेक करें जो मटेरियल एडिटर में वापस जाते हैं तो देखिए यहाँ लगभग सब हमें किस में कन्वर्ट होकर मिल चुके हैं, ये सब वीरे मटेरियल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। वीरे मटेरियल, वीरे मटेरियल, वीरे मटेरियल, ठीक है। तो सिंपली आपने कन्वर्ट किया, फिजिकल कैमरा आपका कन्वर्ट, ये सब आपका हो चुका है कन्वर्ट। ऑब्वियसली फिजिकल कैमरे में अगर आप अब रेंडर करते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी वीरे लाइट नहीं है। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीरे लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी जो इसमें लगी हुई है, सॉरी रेंडर, अब देखें तो हाँ अब कुछ दिखाई देने लगा, ठीक है। या फिर आपको एक सन जो मेन लाइट सोर्स है हमारा वो लगाना पड़ेगा, तो ले लेते हैं हम वीरे सन। ओके, कैमरा रेंडर, ये आ गया। स्टॉप इंटरेक्टिव हम ऑन कर देते हैं, कैमरा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ,
यहाँ पे तो ये हमें दिखाई दे रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं वो जूम आउट कर रहा हूँ कैमरे से, ये दिखना बंद हो रहा है। ये बेसिकली क्लिपिंग का इशू हो सकता है। ये क्लिपिंग आपके कैमरे में आ सकती है, आपके व्यूपोर्ट में हो सकती है, व्यूपोर्ट में भी दिखाई दे रही है मेरे को, तो मैं जाता हूँ व्यूपोर्ट क्लिपिंग, और यहाँ से क्लिपिंग, नियर क्लिपिंग एंड फार क्लिपिंग दोनों बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार इसे मैं स्टॉप करता हूँ। पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव में तो कोई दिक्कत है नहीं। कैमरा व्यू, टॉप व्यू आ जा। ओके, यहाँ ये रही क्लिप और ये रही क्लिप। ठीक है, तो यहाँ दो काम आप कर सकते हो। पहली चीज़, या तो इसकी क्लिपिंग ऑफ कर सकते हो, ये क्लिपिंग, या तो आप क्लिपिंग को ऑफ कर दीजिए, या आप जो फार क्लिपिंग है उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब दिखने लगा। ओके, अब देख लीजिए इंट्रैक्टिव। ओके, क्लियर। तो आपको करना क्या क्या है मैंने आपको बता दिया, और बहुत इजीली ये सारी चीजें हो गई। ओके, अब स्टार्ट करेंगे सेकंड फाइल। ओके, अब हमारे जो व्यूअर है जिन्होंने सेकंड फाइल भेजी है, उनकी शिकायत ये है कि वो फाइल में से सब कुछ डिलीट कर चुके हैं, ऑल ऑब्जेक्ट डिलीटेड बट स्टिल 12 MB फाइल। वो ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें उन्होंने इस फाइल में से डिलीट कर दी है, फिर भी फाइल की साइज़ 12 MB है, वो कम क्यों नहीं हो रही। अगर इस फाइल में कुछ नहीं होता तो बेसिकली ये मैप्स मिसिंग और ये इतनी सारी चीज़ें नहीं कहता। ठीक है, तो कहने का मतलब है फाइल में बहुत कुछ हो, यहाँ मेरे को सामने दिख भी रहा है, इतना कुछ फाइल में पड़ा है, पड़ा तो है, फिका दिक्कत है। या फिर आप अनफ्रीज ऑल कर लीजिए या अनहाइड ऑल कर लीजिए, अगर आपको नहीं दिखा तो ये सब प्लान पड़े तो हैं, ये सारे 2D प्लान वगैरह पड़े हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी आपके बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल है वो भी सब आए होंगे, तो इसलिए ये फाइल इतनी हैवी हो रही होगी। कंट्रोल ए एंड डिलीट, ग्रेड आ गया, कंट्रोल ए, अब कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, और अब अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है, अब फाइल में कुछ नहीं है, कंट्रोल एस कर चुके, फाइल को हम रीसेट भी कर देते हैं, हम चाहो तो लेयर्स भी देख लीजिए, एक्सप्लोर, ये सब फर्जी की चीज़ें हैं जिनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली ऑटोकैड की बनी हुई सारी थी, तो इस वजह से इनमें ये सब आ गया बस, बाकी ऑब्जेक्ट्स तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फाइल को हम कर देते हैं रीसेट। ओके, और अब देखते हैं ये फाइल कितने MB की है। ओपन लोकेशन, हमारे सॉल्यूशन 12 हो गई, 1 MB बस, अब सिर्फ 1 MB की फाइल हो गई, तो नॉर्मल है, हो गई, क्लियर। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम थी, पर जो भी था ये अपने सामने है। ओके, अब करते हैं तीसरी फाइल पे काम। ओके, तो अब हम तीसरी फाइल ओपन करते हैं। तीसरी फाइल जिस जो हमें भेज रखी है वो है लाइटिंग शेडिंग प्रॉब्लम की क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने फाइल भेजी है, अच्छी बात है, और क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम फाइल ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। फाइल ओपन करते सबसे पहले ये कह रहा है कि आपने ये फाइल लोअर वर्जन में बना रखी है, जिसमें आपको सब डिवीज़न कैलकुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें देनी पड़ती थी, लेकिन अभी इस नए वर्ज़न में, क्योंकि इस मैक्स में मेरा वर्ज़न जो है वीरे का, वो वीरे नेक्स्ट है 4.2, तो वो अपडेटेड है, वो ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेता है। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कहोगे इसे यस कि कर दो, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स नए वर्ज़न के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। ठीक है, तो हो सकता है आपका आउटपुट स्लाइटली डिफरेंट आए, और अगर आप नो करते हो तो जैसा आपका सीन था ये वैसा ही रहेगा, किसी भी तरीके के इसमें करेक्शंस नहीं होंगे। तो फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके के करेक्शंस ना हो, ताकि उनका व्यू क्या था वो मुझे दिखे, तो इसलिए मैंने नो किया। यूनिट सेटअप, ओके, कुछ एक टेक्सचर्स मिस है, ऑब्वियसली सारे ही मिस हैं क्योंकि उन्होंने टेक्सचर भेजे नहीं,
और अब यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। ओके, यहाँ बेसिकली क्या है कि इस फाइल के अंदर जो इन्होंने फाइल बना के भेजी है, इस फाइल के अंदर काफ़ी मेंटल रे एसेट्स है, मतलब मेंटल रे से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है इनडायरेक्ट शेडिंग आ जाए, इनएप्रोप्रिएट बाउंसिंग क्रिएट हो जाए, अनबैलेंस शेडिंग आ जाए, ये बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, और अगर आपको एनवीडिया आई रे या इसी में रेंडर करना है तब तो वो मेंटेन रखें, नहीं तो आप क्या करें इसे रिमूव करें, तो ऑटोमेटिकली रिमूव मिसिंग लेजेंसी एसेट्स ऑन फाइल ओपनिंग। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि जब हम फाइल ओपन करें तो ऑटोमेटिकली वो जो मिसिंग लेजेंसी है एमआर की वो सब रिमूव हो जाए, तो हमने कर दिया। ओके, तो ये हो गई आपकी फाइल ओपन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप लाइटिंग रेंडरिंग से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहते हैं तो आपको टेक्सचर साथ में भेजना चाहिए था, क्योंकि टेक्सचरिंग में कुछ और दिखेगा और विदाउट टेक्सचर कुछ और दिखता है, ये रेंडर इन्होंने निकाला है। ठीक है, इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकते हैं, बहुत से इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप की अगर हम बात करें तो ये जो आपने बर्ड्स लगाए हैं ये बहुत ही आर्टिफिशियल बर्ड्स हैं, ये ऐसे बर्ड्स नहीं दिख रहे मेरे को, सही नहीं लग रहे हैं, ये पेड़ भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, और शेडो तो मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम नहीं लगाएं, हम प्रॉपर तरीके से शेडो वगैरह क्रिएट करें तो ज़्यादा बेटर है। कार भी जो लगाई है वो फ़ोटोशॉप में किस तरीके से काट के लगाई है, यहाँ नहीं दिख रहा सही। कहने का मतलब ये है आप जो फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग करते हैं उसे थोड़ा सा सही करना चालू करें। इसमें मैं क्या करेक्शंस बता सकता हूँ, सब कुछ ही फोटोशॉप का काम है, वो ख़राब है। हाँ, एक चीज़ मुझे दिख रही है, जैसे ये पेड़ है इस ट्री में, ये पीछे जो वाइट वाइट आ रहा है ये मैच नहीं हो रहा, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊँ फोटोशॉप में, जस्ट इमेजिन कि हमने एक व्यू बना रखा है। ठीक है, हाँ ये आस्था ने बनाया था हमारे लिए व्यू, हम इसी को ले लेते हैं। ठीक है, और गूगल से हम करते हैं एक इमेज डाउनलोड, ट्री पी एन जी। ओके, गूगल ट्री पी एन जी। ठीक है, ये पी एन जी ट्रीज हैं इमेजेस, जैसे मैं ये वाली कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसी चाहिए जिसके पीछे वाइट हो या फिर शेडेड हो, खैर जो भी मिले मुझे, जैसे मैंने कर लिया सेव इमेज और इसे हमने किया डेस्कटॉप पर सेव, ट्री पीएनजी सेव फोटोशॉप। ट्री पी एन जी ट्री पी एन जी ट्री पी एन जी ओपन। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ हम क्या चीज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ हमें ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये वाइटनेस जो हमें दिखाई देती है, ये एजेस पे जो वाइटनेस दिखाई देती है पीछे इन्वायरमेंट से जो मर्ज नहीं हो पा रही, ठीक है, ये परेशानियाँ बहुत आती हैं हमारे साथ। ठीक है, हालांकि हमें पीएनजी फॉर्मेट में इमेज लेनी चाहिए जैसे मैंने ली है और उसे रखे तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी इस टाइप की कुछ एक प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, होपफुली बता पाऊँ। जैसे ये मैंने इमेज यहाँ प्लेस की, ओके, ओपन विथ, एक सेकेंड, ओपन विथ पेंट, कंट्रोल एस, ओपन विथ फोटोशॉप। ठीक है, ये ओपन हो गई, ये इमेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ अब हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शायद दिखाई देने लगे। ठीक है,
जैसे आपने इस इन्वायरमेंट पे इसे लगाया, तब इसकी ये जो एजेस है ये हमें वाइटनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये इतना वाइट आए, हम चाहते हैं कि हल्की सी डार्किश हो जाए या किसी तरीके से इसमें मर्ज होती हुई सी लग जाए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये पीएनजी इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो इस पीएनजी इमेज के ऊपर हम लॉक यूज़ कर सकते हैं हमारे ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। आपने अगर ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर दिया है, ठीक है, तो अब क्या है कि आप जो भी काम करोगे आप इस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर करोगे। जैसे मैंने रेड कलर ले रखा है, मैं ले लेता हूँ ब्रश, बी से ब्रश आ जाता है, ओके। ये मैंने ब्रश साइज़ बड़ी की, और अब देखिएगा मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और चला रहा हूँ, नहीं आ रहा ना, कहाँ आएगा, जब मेरी इमेज दिखेगी तब आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर रखा है। जहाँ पे भी मेरा काम होगा वो कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो मेरे को ज़्यादा लाइट दिखाई दे रहा है, मुझे क्या करना है, ब्रश में से कलर पिक करना है डार्किश कलर, ये मैंने डार्क कलर ले लिया और ये हल्का हल्का मैंने इसके ऊपर पेंट करना चालू किया। तो क्या हुआ, ये उन एरियाज पर पेंट करेगा जो हमें डार्क करना है, ठीक है। मैं ब्रश कलर इसी का लेता हूँ हल्का सा, और ब्रश का फ्लो या अपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ, ताकि क्या है ये जो कॉर्नर में वाइटनेस वगैरह मेरे को दिखाई दे रही है ये हल्की हल्की वाइटनेस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। हल्की हल्की जो वाइटनेस मेरे को दिखाई दे रही है, क्योंकि डार्क है पीछे बैकग्राउंड, तो ये वाइटनेस हमें कुछ ज़्यादा ही नोटिस में आ रही है। तो ये वाइटनेस हमने क्या किया, हल्की 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 कम कर दी। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ब्रश स्प्रे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसपेरेंसी थी वहाँ वहाँ हमें ये कलर पेस्ट हो गया। तो हुआ क्या कि जितना भी वाइटनेस मुझे इस इमेज में दिखाई दे रही थी वो सारी वाइटनेस क्या हुई, गायब हो गई। तो वैसा ही आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपके ट्रांसपेरेंट इमेज है पीएनजी में है और यहाँ पर वाइटनेस दिखाई दे रही है पीछे के बैकग्राउंड से, मर्ज नहीं हो रहा है, या फिर जैसे हम 3D में रेंडर करते हैं तो कई बार पेड़ों पर रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो उस वजह से वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट ले लेता है, वाइट हो जाता है। तो उस केस में हम इन एजेस को अच्छे से पेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और काम हो गया तो हम इस लॉक को खोल सकते हैं। तो जैसे ही आपने लॉक खोला अब आप सीन पे भी कलर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम जो थी वो तो ये थी। दूसरी चीज़, ऑब्वियसली फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग ठीक नहीं है। अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो बिल्डिंग रेंडरिंग में लाइट जो है मुझे काफ़ी डल लग रही है। डे लाइटिंग है तो थोड़ी शार्प लाइटिंग हो सकती है, क्योंकि शेडो बहुत शार्प आ रही है, तो शार्प लाइटिंग हो सकती है। कलर्स जो है हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये जो हमने ग्लेयर बनाया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा चैनल, आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिल सकते हैं मेरे चैनल पर YouTube/CareerHacks। अगर आप टाइप करेंगे तो करियर हैक्स का चैनल खुल जाएगा। सॉरी सॉरी, ओए शांत हो जा। लेंस अगर इफेक्ट आपको डालने हैं तो आप सिंपली लेंस इफेक्ट सर्च कर दीजिए, ठीक है। तो ये लेंस इफेक्ट वगैरह आ जाएंगे, आप जब इसमें देखोगे आराम से आपको लेंस इफेक्ट वगैरह अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। ओ ठीक है, मैंने लॉग इन इसके, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैंने यहाँ पर, ये नॉर्मल रेंडर है, अब इसको जब हमने फाइनली काम किया है और फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें की हैं, तो इसमें हल्के हल्के लेंस इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट और ग्लेयर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने लगाई हैं। इमेज बेस वर्किंग करना भी बताया है, तो इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं तो मैक्स में एक अच्छा सा लेंस इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो अच्छे से, या फिर आप चाहें तो फोटोशॉप में भी लेंस बनाकर रख सकते हैं। वो कैसे, अच्छे से तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये सही इमेज आपने सर्च नहीं की, आप अगर गूगल से सही इमेज सर्च करेंगे तो उसे यहाँ रख कर उसे ऐड कर दीजिए। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैंने लिया लेंस इफेक्ट जैसे कि ये लिए, आप पीएनजी में इफेक्ट सर्च कर सकते हैं, पीएनजी ये ली इमेज, सेव इमेज। अब हालांकि
इसमें ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है इमेज, ये देखें फ्लेयर, ठीक है, या फिर ये भी ठीक है, सेव इमेज, लेंस सेव, आ गए हम हमारे फोटोशॉप में, डेस्कटॉप से हमने ओपन किया, लेंस जेपैक, पीएनजी लेते तो बढ़िया था, जेपीजी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे का हमें नहीं चाहिए, ब्रश डिफॉल्ट ब्लैक कलर, ओ, 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 ओ. ओपेसिटी 100%, ठीक है, इमेज आपने ली, रख दी। अगर आप ब्लैक इमेज के साथ ले रहे हैं तो यहाँ मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रीन, तो ये हो गई आपकी पीछे इन्वायरमेंट से मर्ज, ठीक है। जहाँ आपको देनी है आप वहाँ लगा सकते हैं, इसका फ्लो और फिल के साथ थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं ताकि आउटपुट को हम क्या कर सकें, कंट्रोल। अदरवाइज आप मैक्स के ऑप्शंस पे जा सकते हैं, फ्रेम बफर में जो लाइंस इफेक्ट हैं वो आपको और भी अच्छे आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। और कलर्स, ऑब्वियसली एक अच्छे हाउस एलिवेशन के लिए मुझे एक अच्छे मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो हाउस एलिवेशन डिज़ाइंस हम सर्च कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा हो हम उसके टेक्सचर्स को कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे साइड में मोमटी है, फ्रंट इस टाइप से है, तो ये मटेरियल्स भी सूदिंग से हैं, ये मटेरियल भी सूदिंग से हैं। सॉफ्ट मटेरियल आप यूज़ करना स्टार्ट करें, अगर आप सॉफ्ट मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो वो बहुत ही अजीब से लगेगा, मतलब चटकीले कलर जिसे कहते हैं अपन, वो नहीं यूज़ करना हमें, ठीक है। जैसे ये स्टोन्स है, इनकी एक बेसिक टेक्निक रहती है कलर सिलेक्शन की एक्सटीरियर के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेक्निक छोड़कर कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस का मतलब अच्छे रेफरेंस देखें, अच्छे रेफरेंस काम में लें, ये हो गया, ये हो गया, कलर देखिए सूदिंग से हैं, ये बड़े सॉफ्ट कलर्स हैं, इसमें जो इम्पैक्ट आ रहा है वो किससे आ रहा है, ग्लास और इन प्लांटेशन से। आपके व्यू में किस चीज़ की बहुत कमी है, प्लांटेशन और ग्लास रिफ्लेक्शंस। अगर हम ग्लास रिफ्लेक्शंस की बात करिए, ग्लास रिफ्लेक्शन तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ठीक है। प्लांटेशन हमारा सारा फोटोशॉप में है, 3D का अगर हम मैश यूज़ करें तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ग्लास रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लास रिफ्लेक्शन पे हमने मटेरियल दे रखा है, ओके, इसके पीछे मैं स्लॉट के ऊपर चेकर डाल के देख सकता हूँ, ब्लरिश का रखा है, मतलब हमने इसे, मैं वन कर लेता हूँ, ठीक है। और रेफरेंस में जो हम देख रहते हैं इसमें काफ़ी शार्प रिफ्लेक्शन है, देखिए पेड़ों का शार्प रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत माइनर सा हल्का सा ब्लरिश है, तो वो माइनर सा ब्लरिश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 0.95 या फिर 0.98, ठीक है, एकदम माइनर सा ब्लरिश, शार्प रिफ्लेक्शन है इसलिए हम यही रख रहे हैं, और ग्लॉसीनेस हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, फ्रीजनल हम ऑफ कर देंगे, हम शार्प रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, शार्प रिफ्लेक्शन आ गया, इन्वायरमेंट का अब इस पर अच्छा इफेक्ट है, लेकिन बेस कलर हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपको बेस कलर, देखिए इसमें किसी तरीके का बेस कलर नहीं है, पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप स्काई ब्लू रख सकते हैं लाइट शेड में, ठीक है, जैसे मैंने रीसेट किया, मैंने लाइट शेड में रख लिया, ये रख सकते हैं। अब इसमें हमें अंदर का नहीं दिखाई दे रहा, वैसे बहुत माइनर सा दिखाई दे रहा है, तो या तो आपने अंदर बहुत कुछ बनाया हो, जैसे अगर मैं इसे देखूं, आपने रिफ्रैक्शन तो यूज़ किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने अंदर बना कुछ भी नहीं रखा, अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। अगर आपने अंदर कुछ भी नहीं बनाया है तो आप ये ट्रांसपेरेंसी मत दीजिए, क्योंकि क्या है कि ये अंदर लाइट जाएगी और टकरा कर वापस नहीं आएगी, और जब नहीं आएगी तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम रेफरेंस इमेज की बात करें तो यहाँ अंदर कर्टन लगाया है, यहाँ पे भी कर्टन लगाया है, तो कर्टन हमें दिखा रहा है कि अंदर की ट्रांसपेरेंसी है, बाकी सब चीज़ें दिखा रही है कि बाहर का रिफ्लेक्शन है। दोनों चीज़ें इसलिए यूज़ की हैं क्योंकि अंदर कुछ है, वो दिखा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी है, बाकी रिफ्लेक्शन है, अंदर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम रिफ्रैक्शन यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिफ्लेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कैमरा व्यू हमारे पास है, अब देखना ये है हमारे कैमरा व्यू में कि जहाँ से हमारा एंगल जा रहा है
उसके सामने कुछ हमने लगाया है या नहीं, कैमरा हमारा यहाँ जा रहा है, ये है, और इसके सामने हमने कुछ ये पेड़ शेड़ लगाए हैं, ठीक है, बिल्डिंग के सामने लगा देते हैं। ओके ठीक है, दोनों जगह हमने पेड़ वेड़ लगा दिए। ओके थोड़ा कैमरा व्यू, और अब हम एक बार रेंडर करके देख लें इसमें बेसिकली क्या आ रहा है। अभी तक हमने कुछ भी रेंडर करके देखा नहीं था, पर देख लेते हैं, साइज़ छोटी कर लेते हैं इसको, या फिर रीज़न ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना ले लेते हैं। ओके लॉग विंडो इतनी बड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना रेंडर करना था। स्टॉप रेंडर फिर से, ठीक है, हम इंटरेक्टिव ऑन कर लेते हैं, बेटर रहेगा, हमें विंडो दिख जाएगी आराम से कि उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो जैसे ही आपने रिफ्लेक्शन लिया है इसमें, अब बाहर का आपको सही रिफ्लेक्शंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मटेरियल एडिटर पे आप और प्ले कर सकते हैं जितना चाहो, ज़्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए और ज़्यादा कर दिया, ये अब ग्रीन आपको पूरा दिखने लग जाएगा। ठीक है, आपको रिफ्लेक्शन कम करना है, आप रिफ्लेक्शन कम कर दीजिए, यहाँ से आपको पेड़ों का रिफ्लेक्शन आना बंद हो गया। ठीक है, तो सही रेफरेंस लेना है, रिफ्लेक्शंस सही यूज़ करना है, ट्रांसपेरेंसी यूज़ नहीं करनी है अगर अंदर आपने कुछ भी नहीं लगाया है तो, कलर शेड्स के अच्छे रेफरेंसेस लेके काम करना है, फ्लेयर वगैरह आप कोशिश कीजिए फ्रेम बफर में ही यूज़ कर लीजिए, फोटोशॉप पोस्ट एडिटिंग अच्छी कीजिए, लाइब्रेरी अच्छी यूज़ कीजिए, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो व्यू अच्छा आएगा। ओके okay?